शो मुझसे शादी करोगी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शो के शुरू होने से पहले ही तमाम ऐसी खबरें सामने आई थीं कि ये शो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। ऐसे में लगता है कि शायद ये बात सच होने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा। अब फाइनली अब ये खबर भी आ गई है कि किस डेट को ये शो ऑफ एयर होगा। बता दें आप सभी को, शहनाज और पारस छाबड़ा के बारे में तो शो को लेकर फैंस ने काफ़ी निराशा जताई थी। लोग नहीं चाहते थे कि ये शो आए और ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस ने ये तक कह दिया था कि इस शो को बैन कर दें। और फाइनली अब शायद फैंस का वो इंतज़ार खत्म हो गया है। दरअसल फैंस शहनाज के साथ सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को देखना चाहते हैं, तो वहीं पारस के साथ माहिरा शर्मा को। ऐसे में लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लें। वेल, आपको बता दें यहाँ पर शो को ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। फाइनली ये शो अब कब बंद होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि ये शो 20 मार्च को खत्म हो जाएगा और इसकी जगह नया शो आएगा एक बार फिर इश्क में मर जावा। लेकिन अब फाइनली एक और बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर है कि 27 मार्च को ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से बिग बॉस के खत्म होने के बाद बड़ी ही धूमधाम से इस शो को टेलीकास्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन घर के अंदर ही फिनाले वीक में शहनाज और बाकी लोगों ने शो को प्रमोट भी किया था, वहीं अब ये शो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और अब ऑफ एयर होने जा रहा है। फाइनली यहां पर 13 हफ्तों तक टेलीकास्ट किया जाना था ये शो, लेकिन महज 6 हफ्ते में ही ऑफ एयर होने के मुकाम पर आ गया है। और ये बेहद ही दुख की बात है कि शहनाज और पारस का ये शो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है। कहा जा रहा था कि करीब 3 महीने तक ये शो चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई है कि शो अपने तय शेड्यूल से पहले ही खत्म हो रहा है और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है और ना ही शो की खास टीआरपी रह पाई है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये शो जल्दी ही बंद हो जाएगा। और खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसके बदले यहाँ पर एक बार फिर इश्क में मर जावा टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। वेल दोस्तों, आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। प्रांशी की रिपोर्ट।